एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से लगे हुए बल्लभगढ़ इलाके से, जहां पर दिवाली के पटाखे जलाने की वजह से एक समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर हैवानियत कर दी है। पीड़ित परिवार ने जब इसकी शिकायत की है तो उनकी बात सुनने की जगह परिवार की महिलाओं और पुरुषों ने ईंट और डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित परिवार के घर पर ईंट पत्थर बरसाए गए, मुख्य दरवाजे को तोड़ दिया गया, यहां तक कि पीड़ित परिवार की महिलाओं पर भी डंडों से हमला किया गया। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ भी की। आरोपियों ने लड़की के कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की है। पीड़ित लड़की के शरीर पर नाखूनों के निशान भी हैं, छेड़छाड़ की गवाही देते हुए नजर आए, लेकिन यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बेहद अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से लगे हुए हरियाणा के बल्लभगढ़ से, जहां दीपावली के पटाखे जलाने की वजह से एक समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर हैवानियत की है, लाठों डंडों से हमला किया गया है। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत की तो उनकी बात सुनने की जगह परिवार की महिलाओं और पुरुषों ने भी ईंट डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित परिवार के घर पर ईंट पत्थर बरसाए गए, मुख्य दरवाजे को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया और यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दरवाजा तोड़ दिया गया, फिर घर में दाखिल हुए और यहां तक कि पीड़ित परिवार की महिलाओं पर भी डंडों से हमला किया गया है। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अनिल राठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनिल, यह बेहद अहम खबर है, ऐसे में जबकि खुशियों का यह त्योहार है, आखिर इतनी बड़ी हैवानियत, क्या इस पर कार्रवाई हो रही है, क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल प्रशांत, देखिए आपको बता दें कि इस समय हम उसी घर के बाहर खड़े हुए हैं जो कि बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी के अंदर है। इस घर के बाहर जो है वो फिलहाल अभी भी जो घर के परिजन लोग हैं उनके अंदर एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं डर का साया है। और डर का साया किस वजह से है कि कुछ समुदाय, विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से जो है वो उनके ऊपर लगातार प्रेशर किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मकान के बाहर इन्होंने लगा रखा है कि यह मकान बिकाऊ है। और इससे पहले इन्होंने एक मकान, ये सामने वाला मकान है जो कि ऑलरेडी जो है वो ये लोग बेच चुके हैं। क्यों बेच चुके हैं? क्योंकि लगातार देखिए इनके ऊपर जो है वो इसी तरीके से कह सकते हैं कि बहसबाजी या फिर लड़ाई झगड़े लगातार जो है वो इनके इसी तरीके चलते हैं। घर का आप एक बार मैं आपको हालात दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं गेट जो सामने वो गेट है, किस तरीके के गेट पे जो है वो पूरे तरीके से गेट जो है वो तोड़ा गया है और परिवार के लोग जो है वो यहाँ बैठे हैं। उनकी एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या नाम है जी आपका और क्या मामला हुआ है? मेरा नाम रेखा है सर। मामला कुछ नहीं, 27 तारीख शाम 9:30 बजे मेरे बच्चे ने यहाँ पटाखा चलाया, हम 4 जने यहाँ बैठे थे और इधर से इसके घर से गाली गालियाँ आ रही, बहुत गालियाँ आ रही। तो फिर मैंने यहाँ से ही बैठे बैठे कहा भैया किसे गाली दे रहे कि तुझे दे रहे? अब गालियाँ दे के मतलब मैं बोल नहीं सकती, फोन पे ऐसी ऐसी मुझे गालियाँ दी गई। तो मैं बोली भैया कोई परेशानी थी तो मुझे बता देते, तो नहीं पहले से चलाने देते, भैया ने चला दिया कोई बात नहीं है। फिर गेट खोल के आए और फौरन यहाँ कुर्सी मेरी ली, मुझ में मारी, फिर मेरे बेटा को मारा, मेरे पति बोले थे भैया रहने दो, भैया रहने दो कोई बात, तो उनमें थप्पड़ दिया, बीमार 4 महीना से नीचे जमीन पे गिरे जाके वो। फिर उसके बाद इनने क्या काम करा, हम यही खड़े उनके द्वार नहीं गए, इन्होंने एकदम ईंट मारी तो हमारा ये मीटर दुब्बर हो गया, एकदम खोल के ईंट मारी, हम लोग भीतर बढ़ गई। भीतर जाने के बाद ऊपर नीचे चारों तरफ से पथराव, इतना पथराव जैसे कश्मीर में होता नहीं, इस तरीका पूरी रात पथराव करा गया हम पे। हमने 4-5 जन गेट साथ रखा है यूं करके, ऐसे ऐसे ईंट पत्थर पड़े, ये हाथ देख लो फूटे पड़े, देखो सारे हाथ फूटे पड़े, ईंट पत्थर के ये हाथ, ये सब ईंट पत्थर के ये फूटे पड़े, ये गेट के अंदर से लग रही है चोट, गेट ऐसे दबा रखे कि टूट ना जाए। उसके बाद ऊपर से आके मेरी बेटी को दबाया और दबा के उसकी बेइज्जती करके नाखून नाखून को मार के, तब मेरा ये अंगूठा तोड़ दिया दुब्बर करके और लड़का को खा गई हमारी, मैं बताऊँ ऐसे हुआ है मेरे साथ। पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है? चौथी बार हमला हुआ है। पुलिस की क्या कार्रवाई? पुलिस ने हमारी कंप्लेंट ली है, लेकिन बात यह अभी कोई मतलब गिरफ्तारी ना हुई और बराबर मुझे धमकियां मिल रही है, बस बात यही है सर, और कुछ कहना नहीं चाहती, गिरफ्तारी होना चाहिए, नहीं तो हम खाली करके जा रहे हैं, रह जाएंगे ये लोग, क्या करें। एक तो बेच दिया मैंने इनके डर से, ये भी मैं बेच रही हूँ, कैसे रह पाऊंगी मैं, मेरा बच्चा बाहर नहीं खेल सकता, मेरे बच्चे को मारा जाता पत्थरों से, ये बच्ची छोटी सी बैठी उसके पत्थर से मारा जाता, मेरी बेटी के 2 बच्चा थे ससुराल भेज दिए गए, बेटी यहाँ पर है इसकी वजह से, पत्थर से छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं रोज। फुटेज भी आ रही है सामने, सीसीटीवी की फुटेज भी आ रही है, टीवी पे आ गई, मोबाइलों पे आ गई, हम क्या सबूत देंगे? सबूत तो ये कैमरा देंगे, सीसी कैमरा दे रहे हैं सबूत। मैं बताऊँ, हम तो घर में घुस गए थे,
हम बूढ़े आदमी, हमें थप्पड़ मारा है। मैं बताऊं, इतना पथराव जिसका कोई जवाब नहीं, इतना पथराव किया गया है हमारे साथ कि चलिए एक बार हम एक बार इनसे भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्या झगड़ा हुआ था, क्या झगड़ा हुआ था, आप लोगों के साथ झगड़ा हुआ था, क्या बात कुछ नहीं सर, एक ऐसे ऐसे लोहे के वो बना रखे लंबे लंबे से, उनमें बारूद काफी नाल, उनमें वो धरे पोटास, बोले क्या तो इसने वहां से शुरू करे, वहां मंदिर से परे से बजाने आवाज तो घर में ऐसे आवे तो घर फट गया। वहां से बजते बजते वहां इसकी मुंह चोरी हुई, रघु मंदिर के पास मुंह चोरी हुई, वहां से लड़ते लड़ते ये बंद हो गई। हम सब अपने अपने घर में घुस गए। फिर 10:30 होने 11 की बात है मेरे ख्याल में, फिर यहाँ कुर्सी डाल डाल के सारे घर में बैठ गए। मेरे बच्चा गाड़ी चला, इधर को जन्मदिन हो रहा, वहां पे पड़वा लो लड़का रुका, वहां से लड़का आ गया, फिर थोड़ी देर पीछे ताला खुलवाया ना आके वो अंदर होगा। 10:30 बजे के करीब फिर इसने वो निकाली नाल, फिर उसमें धर के चलाई, फिर उसमें धर के चलाई तो ये बहुत अच्छा है, इस पे एक महीने की लड़की है, एक महीने की लड़की। दिल्ली से ही लगा हुआ है ये हरियाणा का बल्लभगढ़ का इलाका, जहां एक बेहद खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। दीपावली के पटाखे जलाने की वजह से विवाद इतना बड़ा कि समुदाय विशेष के लोगों ने घर में घुसकर हैवान की है, ये आरोप लग रहा है। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत भी की है, लेकिन उनकी जगह परिवार की महिलाओं और पुरुषों पर ईंट बरसाए गए हैं, लाठी डंडों से हमला किया गया है। पीड़ित परिवार के घर पर लगातार ईंट पत्थर बरसाए गए, दरवाजा तक तोड़ दिया गया, लेकिन यह पूरी घटना वहां लगे सामने के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। और अब पीड़ित परिवार ने मकान बिकाऊ है का पोस्टर उस घर के आगे लगा दिया। पीड़िता के मकान पर पथराव किया तथा घर का दरवाजा तोड़कर वह छत के रास्ते के माध्यम से घर में घुस गए और घर में घुसने के बाद पीड़िता के घर में तोड़फोड़ की और पीड़िता के घर में लूटपाट की और पीड़िता के साथ छेड़खानी की और जान से मारने की धमकी दी। तो इस मामले में पीड़िता की माँ और उसके पिता भाई को पीड़िता को चोटें लगी हैं। तो इस संबंध में थाना आदर्श नगर बल्लभगढ़ ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अनिल राठी हमारे सहयोगी लगातार यहाँ बल्लभगढ़ में ही मौजूद हैं। जमीनी हकीकत क्या है ये दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, अनिल क्या कहते हैं ये लोग? दरअसल क्या ये कोई पड़ोसियों का आपस का विवाद था या इससे भी कुछ और ज्यादा कि इनके घर का दरवाजा तोड़ दिया गया, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की भी आरोप लगा रहे हैं? क्या वाकई ये हकीकत है, क्या ये बयां करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत, जिस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले देखिए मैं उसी गली में खड़ा हुआ हूँ, ये घर है जिनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने जो है वो इनके साथ इस तरीके से व्यवहार करा और ये बिल्कुल दीवार से दीवार कह सकते हैं कि घर के घर जो है वो बिल्कुल मिले हुए हैं। और जिस तरीके से बताया है कि इन्होंने भी यही बात कही है कि प्रशांत की पटाखे को लेकर के पूरा विवाद था और साफ तौर से जो आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से भी एक ही बात कही गई है कि जो है वो लगातार पटाखे बजाए जा रहे थे, जो कि एक आजकल कह सकते हैं पाइप के थ्रू जो पटाखा बजाया जाता है, जिसमें गंधक डाल करके पटाखा बजाया जाता है, वो पटाखा बजाया जाता है, जिसको लेकर के विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ गया कि देखिए काफी इसमें जो कह सकते हैं कि चोटिल जो है वो उनकी तरफ से भी कई लोग हुए हैं। हालांकि इनके ऊपर जो है वो फिलहाल अभी FIR दर्ज कर ली गई है परिवारजनों के, और मैंने जिस तरीके से आपको सुना भी रहा था इनकी भी एक बार इनकी भी हम सुनने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला, क्योंकि गंभीर आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर, क्योंकि इसी तरीके से ऊपर वाला करेगा बेटा हमारा, वहां से आ गए यहाँ तक लड़के ने मेरे से, इनने एक बार छोड़ा है, दो बार छोड़ा है, तीसरा के छोड़ा है, वो चाबी लेके यहाँ आ गया। मैं बोली बेटा मैं बोल दूंगी, वो ना बोला मम्मी ये माने ना, मैं बेटा के सवेरे से ही छोड़ रहा हूँ, दिन में भी छोड़े यार, अब भी छोड़ रहा हूँ दिन में भी छोड़े है, इसे पागल का करार दे रखा होगा, सारी बात जाने में। लेकिन उसकी आप शिकायत पुलिस में कर सकते थे, आजकल पुलिस 112 पे कॉल करो कि भैया बार बार पटाखे बजा रहे हैं, कॉल जा रही उनकी। अच्छा हाँ, तो ये वहाँ की लड़ाई से यहाँ तक गुस्से में तो सारे बैठे ही है, अब वो गुस्सा हमारे ऊपर उतार दिया, गेट खोलते ही
एकदम ये भी भागे लड़की। तो अनिल हम सुन सक रहे हैं कि आखिर जिन पर आरोप लग रहा है उस परिवार के लोगों का भी कहना है कि चाहे रात में हो या दिन में पटाखे बार बार जलाए जा रहे थे, बजाए जा रहे थे, और इस वजह से भी ये विवाद आगे बढ़ा है। लेकिन विवाद इतना आगे बढ़ा कि मकान पर हमला किया गया, पत्थर बरसाए गए, दरवाजा तक तोड़ दिया गया, पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी है।